दोस्तों, आप लोगों ने मुझसे पूछा था कि पानी के अंदर जाने वाला सीन को कैसे क्रिएट किया जाता है। जैसा कि आप लोग मेरे बनाए हुए कार्टून स्टोरी जीन पड़ा पीछे उस वीडियो को देखे होंगे, तो उसमें एक सीन था जो जीन है वो पानी के अंदर चला जाता है, और वो सीन काफी अच्छा से क्रिएट किया हुआ था, वो भी फोन से। तो आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ कि आप अपने फोन से उस तरह का सीन कैसे क्रिएट कर सकते हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो उस तरह का सीन बनाने के लिए सबसे पहले आपको ड्राइंग कार्टून 2 ऐप को ओपन करना है। उसके बाद यहाँ पे न्यू कार्टून के ऑप्शन पे क्लिक करना है। उसके बाद ऊपर साइड में 3 लेयर के ऑप्शन पे क्लिक करना है और एडिट सीन के ऑप्शन पे क्लिक करना है। उसके बाद सीन साइज के ऑप्शन पे क्लिक करना है और यहाँ HD क्वालिटी को सिलेक्ट कर लेना है और ओके कर लेना है। उसके बाद आप बैकग्राउंड को ऐड करना है, तो ऐड के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे और फोटो के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे और अपने कहानी के अनुसार बैकग्राउंड को सिलेक्ट कर लीजिए। उसके बाद यहाँ पे बैकग्राउंड ऐड हो जाएगा, तो यहाँ से बैकग्राउंड को सिलेक्ट कर लेते हैं। उसके बाद स्क्रीन को बैक कर लेते हैं और बैकग्राउंड पे क्लिक करना है और बैकग्राउंड को एडजस्ट कर लेना है। तो अब बारी आती है कैरेक्टर को ऐड करने की, तो इंसर्ट के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे, जंगल के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे, कस्टम आइटम के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। उसके बाद यहाँ पे कैरेक्टर को ऐड कर लेंगे। उसके बाद कैरेक्टर को बड़ा कर लेंगे येलो वाला एरो के हेल्प से। अब कैरेक्टर को फ्लिप करेंगे, तो एडिट यूनिट में जाकर फ्लिप वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देंगे। तो अब ऊपर साइड में 3 लेयर वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे और कैमरा व्यू के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे और यहाँ से कैमरा व्यू को एडजस्ट कर लेंगे। तो अब हम लोग पानी के अंदर जाने वाले सीन को क्रिएट करेंगे, तो वीडियो यहाँ से ध्यान से देखिएगा। तो यहाँ पे आप देख रहे होंगे कि ग्रीन वाले एरो की हेल्प से कैरेक्टर को नीचे की तरफ किया जा रहा है, तो आपको भी कुछ इसी तरह से सीन को एनिमेट करना है। तो सीन एनिमेट हो चुका है, अब इसे हम प्ले करके देखते हैं। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि कितने अच्छे तरीके से एनिमेट हुआ है, तो आपको भी कुछ इसी तरह से एनिमेट कर लेना है। तो सीन एनिमेट हो जाने के बाद अब इस वीडियो को सेव करना है, तो सेव करने के लिए ऊपर साइड में आपको 3 लेयर के ऑप्शन पे क्लिक करना है। उसके बाद यहाँ पे आपको एक्सपोर्ट का ऑप्शन मिल रहा होगा, तो एक्सपोर्ट के ऑप्शन पे क्लिक करना है। उसके बाद सेव एज वीडियो पे क्लिक करना है, ओके पे क्लिक कर देना है। तो ऊपर साइड में आप देखेंगे तो ऊपर साइड में एक्सपोर्ट होने लगेगा। ड्राइंग कार्टून 2 से एनिमेटेड वीडियो को एक्सपोर्ट कर लेने के बाद आपको पावर डायरेक्टर ऐप में आना है और उस वीडियो क्लिप को ऐड कर लेना है, उसके बाद एक्सपोर्ट कर लेना है। क्योंकि जब भी आप कैनमास्टर में इस वीडियो को ऐड करेंगे तो वो सपोर्ट नहीं करेगा, इसलिए सबसे पहले आपको पावर डायरेक्टर ऐप में आकर इसको एक्सपोर्ट कर लेना है।
पावर डायरेक्टर ऐप में वीडियो को एक्सपोर्ट कर लेने के बाद आपको कैनमास्टर ऐप में आना है और उस वीडियो क्लिप को ऐड कर लेना है। उसके बाद राइट साइड में ऑडियो के ऑप्शन पे क्लिक करना है। उसके बाद गेट म्यूजिक के ऑप्शन पे क्लिक करना है और यहाँ लेफ्ट साइड में इस वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। उसके बाद आपको नीचे साइड में स्क्रॉल करते हुए जाना है और यहाँ पर वाटर वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। तो वाटर के ऑप्शन पे क्लिक कर लेने के बाद वॉरियर्स के ऑप्शन को डाउनलोड कर लेना है। इस ऑप्शन में आपको बहुत सारे पानी के अंदर जाने वाले साउंड इफेक्ट मिलेंगे, तो इस ऑप्शन को आप डाउनलोड कर लीजिए। उसके बाद स्क्रीन को बैक कर लीजिए। बैक आने के बाद आपको इस ऑप्शन पे क्लिक करना है और यहाँ पर भी नीचे साइड में स्क्रॉल करते हुए जाना है। उसके बाद आपको वेरियस के ऑप्शन पे क्लिक करना है और उसके बाद यहाँ पे वाटर वन वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है और यहाँ पे प्लस के आइकन पे क्लिक कर देना है और जहाँ से कैरेक्टर पानी के अंदर जा रहा है वहाँ पर साउंड को लगा लेना है। फिर साउंड को एडजस्ट कर लेने के बाद यहाँ पर लेयर के ऑप्शन पे क्लिक करना है और एफएक्स के ऑप्शन पे क्लिक करना है और यहाँ पर होम के ऑप्शन पे क्लिक करना है। उसके बाद यहाँ पर आपको डिस्टोरेशन के ऑप्शन पे क्लिक करना है। उसके बाद नीचे साइड में स्क्रॉल करते हुए जाना है और रिपल के ऑप्शन पे क्लिक करना है और इस इफेक्ट को डाउनलोड कर लेना है। इंस्टॉल कर लेने के बाद स्क्रीन को बैक कर लेना है। तो इंस्टॉल करने के बाद आपको वो वाला इफेक्ट यहाँ पर रिपल का इफेक्ट आ जाएगा, तो इस रिपल वाले इफेक्ट पे क्लिक करना है और यहाँ पर क्लिक करना है। तो ये इफेक्ट यहाँ पर आपको स्क्रीन पे शो होने लगेगा। तो इस इफेक्ट को जहाँ पर पानी है वहाँ पर लगा लेना है। उसके बाद ड्राइंग कार्टून 2 ऐप में फिर से वापस आना है और ऊपर से सारे फ्रेम को डिलीट कर लेना है और कैरेक्टर को पानी के बाहर आते हुए सीन को एनिमेट करना है।
तो आज की ये वीडियो आप लोगों को कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं, और चैनल पे नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिए। तो अगले वीडियो में मिलते हैं।